आज की इस वीडियो के अंदर रैंडम वर्कर्स के अंदर मैं आपको डिपॉजिट करने का तरीकाकार समझाऊंगा कि आप लोग इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू रैंडम वर्कर के अंदर किस तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रैंडम वर्कर के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट या टास्क लगवाना है तो आपके पास बैलेंस होगा, तभी आप अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने रैंडम वर्कर्स के अंदर इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू अपना बैलेंस कैसे ऐड करवाना है, आज की इस वीडियो के अंदर ये सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं रैंडम वर्कर्स का अकाउंट मैंने लॉगिन किया हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त $1.9 मौजूद है। यहां पे आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक बटन मिल जाता है डिपॉजिट फंड का। आप लोगों ने डिपॉजिट फंड के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट फंड की एक न्यू विंडो आपके सामने आ गई है और यहां पे आपको बताया जाता है मिनिमम डिपॉजिट $5, यानी $5 से कम डिपॉजिट आप नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे अमाउंट टू डिपॉजिट USD, यहां पे डॉलर के अंदर आपने अमाउंट लिखनी है जो भी आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। तो मैं $5 आपको डिपॉजिट करके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने यहां पे 5 टाइप किया है और आगे बताया जा रहा है पेमेंट मेथड। यहां पे आप क्लिक करेंगे ये जो ड्रॉप डाउन एरो है तो यहां पर आपको मुख्तलिफ पेमेंट प्रोसेसर नजर आएंगे। अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं या इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग AirTM के ऊपर क्लिक करें। ये देखें जो ही मैंने AirTM के ऊपर क्लिक किया है तो यहां पे मेरे सामने ये सारा फॉर्म फिल हो गया है और अगर आप लोग राइट साइड के ऊपर गौर करें तो समरी नजर आ रही है कि डिपॉजिट फीस वगैरह इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं होगी। अगर आप लोग $5 डिपॉजिट करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर $5 ही आएंगे। फाइनली पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए आप लोगों ने प्रोसीड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा और यहां पे बताया जा रहा है डिपॉजिट फंड, प्लीज सेंड द अमाउंट टू दिस AirTM ID। यहां पर आपको एक AirTM की आईडी बताई गई है कि आपकी जो भी अमाउंट है वो आपने इस आईडी के अंदर भिजवानी है AirTM के जरिए, और भिजवाने के बाद आपने क्या करना है, प्रोवाइड यूर AirTM ट्रांजेक्शन आईडी बाई कंटेक्टिंग सपोर्ट टीम। यानी सबसे पहले आप लोगों ने अमाउंट भिजवानी है, ये आईडी बताई गई है इसके ऊपर या ये जीमेल आपको बताया गया है इसके ऊपर, उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन आईडी सपोर्ट टीम को देनी है। कैसे करना है मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। ये देखें मैंने AirTM का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, मेरे पास यहां पर $66 मौजूद है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास AirTM का अकाउंट नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अकाउंट होगा उनको पता नहीं होगा कि AirTM के अंदर हमने डिपॉजिट कैसे करना है इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यहां पे आप देखें ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आप लोग तो यहां पे पेमेंट ऐड करने के लिए आपको इजी पैसा और जेएस कैश के सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहां पर आप इजी पैसा जेएस कैश के थ्रू इजीली पेमेंट ऐड करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता या आप लोग पूरा प्रोसीजर सीखना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर आना है और प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं क्रिएटेड प्ले लिस्ट, स्क्रोल डाउन करके नीचे आए ऑनलाइन अर्निंग और थर्ड नंबर के ऊपर ये देखें ये AirTM अकाउंट इन पाकिस्तान। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको AirTM के रिलेटेड तमाम तर वीडियोस मिल जाएंगी कि अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है और इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू आपने डिपॉजिट कैसे करना है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और AirTM को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने वो वीडियोज वॉच करके AirTM के अंदर यहां पे डिपॉजिट कर लेना है इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने डिपॉजिट किया हुआ है, आपने प्रोसीजर वीडियो से देख लेना है। अब यहां पर करना क्या है, हमने देखे रैंडम वर्कर वालों ने हमें ये एक आईडी दी है, आपने इस आईडी को यहां से करना है कॉपी। आईडी को कॉपी कर ले तब भी ठीक है, या नीचे ये जो आपको ईमेल दिखाया गया आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने AirTM अकाउंट के अंदर आना है और यहां पे आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेंड ऑब्लिग रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू। यहां पे आपको दो टैब नजर आएंगे, एक है सेंड और दूसरा है रिक्वेस्ट। आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है और नीचे सेंड टू ईमेल आर यूजर नेम, यहां पे आप लोग वो ईमेल पुट करें जो रैंडम वर्कर से आप लोगों ने उठाया है।
नीचे आपको बताया जा रहा है एग्जिस्टिंग एयरटीएम यूजर, यानी ये जो जीमेल है ये एयरटीएम के ऊपर यूज हुआ यूजर मौजूद है। यूज बैलेंस के अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये जो आपका मेन बैलेंस है $66 का, इसमें से आप जितने भी अमाउंट भिजवाएंगे वो कट होगी, ठीक है। उसके बाद यहां पे नीचे अमाउंट के अंदर आप लिखें जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, मैंने यहां पे 5 लिख दिया। और आगे पाकिस्तानी रुपीज के अंदर यह बताया जा रहा है कि ₹922 बनते हैं $5 के। स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों ने नीचे आना है, यहां पे आप देख सकते हैं नोट। अगर आप कोई नोट देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो आपकी मर्जी है। मैं यहां पे दे देता हूं रैंडम वर्कर्स ईमेल एड्रेस, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है रैंडम वर्कर ईमेल एड्रेस, और आगे मैं यहां पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूं। ये देखिए आगे मैंने यहां पे ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया, आप नोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए लिखा रैंडम वर्कर्स ईमेल एड्रेस। ये काम करने के बाद, इस फॉर्म को ऐसे फिल करने के बाद आप लोगों ने सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आपके सामने कंफर्मेशन विंडो आ जाएगी, बताया जा रहा है कि आप $5 भिजवा रहे हैं इस ईमेल एड्रेस के ऊपर भिजवा रहे हैं जो एयरटीएम के अंदर है, और नीचे आपको कैप्चा दिखाया गया, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जस्ट आप लोगों ने सेंड का बटन प्रेस करना है। जो ही आप लोग सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास $66 थे, अब $61 रह गए हैं, और यहां पे फंड सेंड की विंडो मेरे सामने आ गई है। नीचे सारी तफसीलात आपको बताई गई है, ये देखें फंड सेंड टू जिसको फंड भिजवाया गया है। आगे यहां पे डेट कंप्लीट, आपको कंप्लीशन डेट बताई गई है, टाइम बताया गया, और ये देखें नीचे ट्रांजैक्शन आईडी, ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसको यहां से आपने करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है दोबारा रैंडम वर्कर वेबसाइट के ऊपर। ये देखें मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया हूं, आने के बाद ये जो आपको बटन नजर आ रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट हेयर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखिए जो ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने सपोर्ट पेज आ गया है, और यहां पर आप देख सकते हैं ओपन न्यू सपोर्ट टिकट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट आपको ऊपर लिखा नजर आ रहा है, नीचे यहां पे आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एड पेमेंट, ठीक है। और उसके बाद नीचे यहां पे आपने ट्रांजेक्शन आईडी लिखनी है, तो ऊपर आपने नोट के अंदर लिख देना है प्लीज एड 5 USD इन माई अकाउंट। आगे मैं लिख देता हूं ट्रांजेक्शन आईडी इज एयर, ये देखिए मैंने यहां पे पूरी वर्डिंग लिख दी, आपको दिखा देता हूं प्लीज एड 5 USD इन माई अकाउंट, और नीचे बताया गया ट्रांजेक्शन आईडी इज एयर, और नीचे मैंने ट्रांजेक्शन आईडी पेस्ट कर दी है। ये काम करने के बाद जस्ट आप लोगों ने यहां पे सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग सेंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं मैसेज सेंड सक्सेसफुली, यू विल गेट द रिप्लाई सून हेयर, यानी यहां पे आपका मैसेज चला गया है। आप लोगों ने वेट करना है, कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मैनुअल प्रोसेस है, आपको यहां से टिकट भिजवाने के बाद वेट करना पड़ेगा। जो ही आप लोगों का बैलेंस ऐड होगा वो यहां पे आपको नजर भी आ जाएगा और यहां पर आपको मैसेज भी आ जाएगा, तो मैं यहां पे वेट करता हूं थोड़ी देर, क्योंकि मैंने जो ही बैलेंस यहां पे ऐड हो जाएगा तो मैंने दोबारा आपको लाइव दिखाना है। कुछ टाइम गुजरने के बाद अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर ऐड हो चुकी है, यहां पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरे पास बैलेंस है वो 1.9 है। मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूं, ये देखे 6.9 हो गया है, और यहां पे ये देखे मैंने ये क्लिक किया है ये करंट बैलेंस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं 6.9 हो गया है मेरे पास। और अगर मैं दोबारा यहां पर करंट अमाउंट के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखे अमाउंट एडेड $5, यानी $5 अभी रिसेंटली एड हुए मेरे अकाउंट के अंदर। और यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो ये देखिए आपको एक मैसेज नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहां पर आपने व्यू मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आप लोगों को एडमिन की तरफ से या जो टीम है उसकी तरफ से मैसेज भी नजर आएगा कि आपकी अमाउंट ऐड हो गई है। ये देखिए टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं एडमिन और 2 मिनट अगो, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि अमाउंट एडेड। ये देखिए ये हमने उसको सारी तफसीलात भिजवाई थी और ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह भिजवाई थी, और नीचे ये देखे वी रिसीव्ड यूर पेमेंट यूर 5 USD इन एडिट इन यूर वॉलेट चेक नाउ। यहां पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपकी पेमेंट ऐड हो गई, और मैंने यहां पर आपको प्रूफ भी दिखा दिया है कि यहां पर हमारी पेमेंट रिसीव हो चुकी है।
अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जाती है तो यहां पर आप कोई भी प्रोजेक्ट कैसे रन कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट रन करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जानी है, अपनी ऐप के डाउनलोड बढ़ाने हैं, या आपका कोई फेसबुक पेज है उसके ऊपर ट्रैफिक लेके जानी है, या आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है उसके आपको व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट आप कैसे पोस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि रैंडम वर्कर क्या है, इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनता है, सारी तफसीलात ए टू जेड आप देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर आना है। यहां पर आप लोगों ने प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए क्रिएटेड प्ले लिस्ट के नीचे है ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग के साथ दूसरे नंबर के ऊपर जो प्ले लिस्ट है वो है रैंडम वर्कर्स की। इसके अंदर तमाम तर तफसीलात आपको मिल जाएगी, अकाउंट कैसे बनाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे लेना है, सारी चीजें, लाइव पेमेंट प्रूफ, हर चीज आपको इसी प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अगर आप लोग इस वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं रैंडम वर्कर्स को, तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।